गाइस वेलकम टू आवर चैनल व्हाट द ब्लश। और आज मैं आपको बेहद सिंपल से 5 मिनट में ऐसे बनने वाले 2 सिंपल हेयर स्टाइल बताने वाली हूँ। यूजुअली मैंने आपको हमारे चैनल में कई सारे हेयर स्टाइल बताए हैं और मुझे लगता है कि हेयर स्टाइल एक ऐसी चीज़ है जिसे करके आप अपने आउटफिट को और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हो। अगर आपने कोई सिंपल सा आउटफिट पहना है या बहुत बहुत शिमरी सा कोई आउटफिट पहना है, तो अगर एक शानदार सा हेयर स्टाइल हो ना तो बस बात ही नहीं डाली है। तो बस आज भी मैं आपको सिंपल से 2 हेयर स्टाइल बताने वाली हूँ जो बहुत ही सिंपल है, 5 मिनट में हो जाएंगे और आप अपने किसी भी आउटफिट पे, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो वेस्टर्न हो, कैसा भी हो, उस पर इजिली कैरी कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। वेल, इन हेयर स्टाइल्स के लिए चाहिए आपको बस एक कॉम, फ्यू रबर बैंड्स एंड फ्यू बॉबी पिन्स। तो सबसे पहले हेयर स्टाइल के लिए मैं अपने सारे बालों को एक साइड करने वाली हूँ। आप चाहें तो इसे पीछे से भी कर सकते हैं या फिर राइट से, लेफ्ट से, जैसी मर्जी वैसे कर लो। और एक बार मैं अपने बालों को कॉम करूँगी ताकि बीच में कोई भी वो टैंगल्स ना आए और मैं अपना हेयर स्टाइल आराम से कर पाऊँ। सो मैंने मेरे बालों को एक साइड कर लिया है एंड एज यू ऑल नो मुझे मिडल पार्टिंग करनी बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए मैंने इस बार भी लेफ्ट साइड पे करा है। वेल, ये नंबर 1 हेयर स्टाइल ना बड़ा ही सिंपल है। इस तरीके से आप अपने बालों को एक साइड करिए और रबर बैंड से उसे सिक्योर करिए। और रबर बैंड बहुत टाइट नहीं बांधना है, सिर्फ 2 बारी ऐसे बांधना है। देन सी, अब क्या करना है, हेयर इज अ ट्रिक। आपको अपने बालों को ऐसे बीच में से ऐसे स्पेसिंग देनी है इस तरह से, और अपने बालों को ऐसे आगे से पीछे की तरफ अंदर लेकर जाना है, लाइक दिस। देन इसे मैं थोड़ा सा टाइट करूंगी। देन अगेन मैं थोड़ा सा स्पेसिंग देके यहां नीचे रबर बैंड से सिक्योर करूंगी। देन अगेन यही सेम स्टेप जो हमने ऊपर किया था नीचे भी करना है, बालों को ऐसे पीछे। वेल, अब आप सोच रहे होंगे कि ये ब्लू थ्रेड मेरे बालों में से कहां से आ रहा है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट हेयर स्टाइल में बताऊंगी कि उसका क्या ट्रिक था। देन इसे भी हल्का सा टाइट करें। देन अगेन नीचे की तरफ थोड़ी और स्पेसिंग में मैं रबर बैंड से सिक्योर करूंगी और ऐसे अपने बालों को दोबारा से करूंगी। वेल, अगर आप देखोगे ना तो ये आपको एक तरह से फिशटेल वाला इफेक्ट देगा, और मैंने ना हमारे चैनल पे फिशटेल ब्रेड कैसे करनी है वो भी बताई है, तो इस वीडियो के बाद वो वाला वीडियो देखना तो बनता है। देन ऊपर की तरफ इसे पुल करूंगी। देन इन द लास्ट मैं एक बार और रबर बैंड से इसे सिक्योर करूंगी। अब क्योंकि हम बिल्कुल इन द एंड में आ गए हैं, तो 3 बार आप इस तरह से टाई कर सकते हैं। देन अगेन आगे से ऐसे स्पेस लेकर चोटी को ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ओके, कूल। अब जितने भी मेरे ये एक्स्ट्रा बाल बाहर आ रहे हैं मैं इन्हें पीछे बॉबी पिन से सिक्योर करूंगी, और मैं आगे अपने बैंग्स को ना ऐसे ओपन ही छोड़ने वाली हूँ और हल्का सा इस तरफ। अब ये इतना क्यूट सा हेयर स्टाइल आप अगर अपनी वेस्टर्न ड्रेस पे करोगे या इंडियन ड्रेस पे भी करोगे ना, तो आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले हैं। वेल गाइस, मेरे बाल थोड़े से पतले थे, लेकिन अगर आपके बाल थोड़े हैवी हैं या कर्ली हैं तो उनमें ये हेयर स्टाइल ना और ज़्यादा खिलकर आएगा। हेयर स्टाइल नंबर 2। वेल गाइस, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैंने ना ये कोई हेयर स्टाइल नहीं कराया, एक जस्ट मैं कल दिल्ली हाट गई थी, वहाँ पे ना एक आंटी इस तरीके से ना बालों में धागे बांध के कुछ ब्रेडिंग कर रही थी, तो मैंने भी करवा लिया। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसे हेयर स्टाइल में यूज़ किया जाए। लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ नहीं करवा रखा तो भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसके बिना भी हेयर स्टाइल हो जाएगा। वेल, हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा मिडल पार्टिंग करनी पड़ेगी। वेल, आई डोंट लाइक मिडल पार्टिंग, इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे साइड में टिल्ट मिडल पार्टिंग करूँगी। ओके, एक बार हम कॉम कर लेंगे ताकि हमारे
बालों में कोई टैंगल ना हो। तो आपको क्या करना है, अपने साइड से ये फ्लिक्स बैंग्स अगर आपके भी हैं तो थोड़ा सा इन्हें साइड में छोड़कर हम इसे हल्का हल्का, बहुत टाइट नहीं, हल्का हल्का ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट, देन सिक्योर विद रबर बैंड। नाउ इस साइड भी हम यही करेंगे। अब क्योंकि मेरा ये इस तरीके से साइड में है इसलिए मैं इसे भी यूज नहीं करके इसे साइड में रख दूंगी। और यहाँ से एक पतला, थोड़ा पतला, नॉट बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, ऐसे लेके ट्विस्ट करूँगी। नाउ हेयर कम्स द ट्विस्ट मैजिक। आपने जो इस साइड ही ट्विस्टिंग किया था, इन दोनों को हम ऐसे जोड़ देंगे, ऐसे यहाँ पे आपके चिन के जस्ट नीचे इसे हम सिक्योर कर लेंगे रबर बैंड से। अब क्योंकि मेरे बैंग्स मुझे इरिटेट कर रहे हैं इसलिए फेस्टिवल मैं इन्हें साइड में करने वाली हूँ। ओके डन। नाउ अगेन हम यही सेम चीज दोबारा से रिपीट करेंगे। अब ये चीज हम इस साइड करेंगे, देन इसे और इस न्यू वाले को लेकर हम अगेन टाई करेंगे। वाओ, मैं कितनी मतलब अलग भी लग रही हूँ। बट जितना ये कॉम्प्लिकेटेड आपको हेयर स्टाइल लग रहा है ना, उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ये बहुत सही लगेगा। ये एक सेक्शन है और ये दो सेक्शन है। अब बहुत ध्यान से हमें इन्हें पीछे की तरफ लेकर जाना है और इस सारे बालों को मैं पीछे करने वाली हूँ। और यहां से मैं कुछ ऐसे बैंग्स निकाल लूंगी बाहर। एंड गाइस, मेसी हेयर स्टाइल ऑलवेज ऑलवेज यू नो ये ट्रेंड में रहता है, बहुत अच्छा लगता है। और अब सी, मैं आपको एक बार पीछे से दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। सी, एक सेक्शन आपका ये आ गया और एक सेक्शन आपका ये आ गया और साइड से ऐसे ट्विस्ट होता हुआ गया। वाला ये वाला हेयर स्टाइल आगे से जितना आपको क्यूट लग रहा है, ये बैक साइड से उससे भी ज्यादा क्यूट लगेगा। वेल, आई होप आपको ये दोनों क्यूट से हेयर स्टाइल्स पसंद आए होंगे। बाकी आपके क्या सजेशंस हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो में टैग करना, इस वीडियो को खूब शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई नया हेयर स्टाइल ट्राई करूँ या फिर कोई स्पेशल वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप हमें कॉमेंट सेक्शन में अपने सजेशन छोड़ सकते हैं। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्यूटिफुल। बाय बाय।